रसोई में आपका स्वागत है। आप ये दीपावली पर मिठाई खा के बोर हो गए हैं तो फिर लीजिए, मैं लाई हूँ आपके लिए दही की गुजिया जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है। देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो चलिए अब हम बनाएंगे दही की गुजिया। इसके लिए हमने ये जो दाल ली है उड़द की धुली हुई 400 ग्राम, जिसको पानी में भिगो दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। फिर पानी इसका निकाल कर हम इसको पीस लेंगे। ये हमें पानी डालकर नहीं ज़्यादा पीसनी है, हल्का सा पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा दरदरी रखना है, बहुत बारीक नहीं करना है। उसके बाद हम इसको पीस कर बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे और हींग डालेंगे। हींग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसमें हींग भी डालेंगे क्योंकि ये दाल थोड़ा सा बादी होती है। तो इसके बाद में हम इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो फेंटने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और आपको अगर तुरंत बनाना है तो आप इसमें चुटकी भर सोडा भी डाल सकते हैं, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी हमारी गुजिया। और इसमें भरने के लिए हमने ये किशमिश को बारीक काट लिया है, नारियल को कद्दूकस कर लिया और अदरक को कद्दूकस कर लिया, कुछ मेवे हमने बारीक काट लिए हैं और उसमें चिरौंजी भी डाली है। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया पत्ती भी काट कर मिक्स कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने 1 kg दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है जो स्मूथ हो गया। और इसी में 1 चम्मच चीनी डाल दी है। आप चीनी इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डाली है। और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ज़्यादा गाढ़ा दही होने पर हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो हमारे दही बड़े जो हैं वो दही को नहीं सोख पाएंगे। अब दही की गुजिया बनाने के लिए हमें एक सफ़ेद कपड़ा लिया है कॉटन का, और इसको एक साइड से भिगोकर थोड़ा सा नीचे पानी निचोड़ कर निकाल दिया है इसका। तो अब हम दही की गुजिया बनाएंगे। इसको एक थाली पर या तिवाई पर रखकर फैला लेंगे। फिर इसमें हम 1 चम्मच दाल का बेटर रखेंगे। फिर उसको गोल गोल फैला लेंगे। इसको आप हाथ की सहायता से भी फैला सकते हैं, स्पून से भी, जैसा आपको इजी लगे। तो ये मैंने इसको पतला सा फैला लिया है। और इसमें 1 चम्मच या 1/2 चम्मच तक मिक्स जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको रखकर साइड से हम इसको कपड़े के से पलट कर गुजिया की शेप दे देंगे। फिर इसको धीरे से हाथ पर उठाकर हम इसको तेल में तलेंगे। तेल को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है और इसको हम हमेशा मीडियम आंच पर ही तलेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज आंच पर ये कच्चे रह जाएंगे और धीमी या गैस रखने पर ये थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे, इसलिए मीडियम रखेंगे। इसी तरह से हम इसमें एक एक करके बनाकर डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये और बना रहे हैं और कढ़ाई में डालकर तलेंगे। तो देखिए, ये मीडियम आंच पर हमारे तल रहे हैं। तो और इसको पलट पलट कर दोनों तरफ से ही तल लेना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, तो बस मीडियम ही रखना है, गोल्डन येलो रहना चाहिए। उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और निकाल कर देखिए, अभी ये अच्छे से तल रहे हैं। तो पलट पलट कर ही तलना है। ये देखिए, अच्छा कलर आ गया। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने और भी तल लिए हैं। तो सब निकाल कर अब हमें इसको सॉफ्ट रखने के लिए एक काम और करना है, कि इसको सॉफ्ट रखने के लिए एक बाउल में पानी लेते हैं। तो पानी में हम ये सारे बड़े अपने डाल देंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे। थोड़ा गर्म में ही डालना है, ये ठंडे करके नहीं डालना है। जैसे ही कढ़ाई से निकालेंगे उसके बाद ये डाल देंगे, जिससे ये पानी को सोख लेंगे। पानी सोखने के बाद में इसको जब हल्का ठंडा हो जाए तो पानी को निचोड़ कर निकाल देंगे। फिर इसको हम दही में डाल देंगे। ये ऐसे करके निचोड़ निचोड़ कर दही में सारे डाल कर फिर इसको हम देखिए इस तरह से सारे डाल रहे हैं।
तो डिप हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से इसमें डिप करने के इसको थोड़ी देर के लिए हम आधे से 1 घंटे के लिए या ज़्यादा देर के लिए भी आप छोड़ सकते हो, जिससे कि ये अच्छे से दही को सोख ले। ये मैंने 2 से 3 घंटे छोड़ दिए थे, तो ये दही को सोख भी लिया है। तो अब हम इसको बनाएंगे, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप इसमें निकाल कर अपने मेहमानों को अच्छी तरह से या घर में किसी को भी दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इसको बनाने के लिए आप इसमें और स्वाद बढ़ाते हैं, तो पहले इसमें निकाल कर हम नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। उसके बाद भुना जीरा पाउडर डालते हैं, तो इस तरह से हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। और रेड चिली पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर आप कैसा तीखा खाते हैं उस तरह से डालिए, और कम खाते हैं तो कम डालिए। तो रेड चिली पाउडर भी डाल लिया। अब इसमें हम अपनी इमली की मीठी चटनी, गुड़ और सौंफ की बनाई हुई जो मैंने बनाई है वो डाल रही हूँ। इसकी चटनी की रेसिपी हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये मीठी चटनी डाल दी है, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ऊपर से भी हम ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बस ना कोई ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी दही की गुजिया तैयार है, और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।